महाराष्ट्र के पालघर में जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में एक आरपीएफ कांस्टेबल ने अपने सीनियर एसआई पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इस घटना में एसआई और 3 अन्य यात्रियों की गोली लगने से मौत हो गई। चेतन नाम के कांस्टेबल ने फायरिंग की, जिसे मीरा रोड से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल मानसिक तनाव से ग्रसित था। बताया जा रहा है ट्रेन में 2 जवानों चेतन और तिलक राम में झगड़ा हुआ था। अपने वरिष्ठ से झगड़ा होने पर चेतन ने फायरिंग की। फायरिंग के चलते ट्रेन में कोहराम मच गया और ट्रेन से कूदने की वजह से कुछ यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12956 में सुबह 5:23 बजे B5 कोच में फायरिंग हुई। ट्रेन जयपुर जंक्शन से दिन में 2 बजे चलती है और मुंबई सेंट्रल सुबह 6:55 पर पहुंचती है। मरने वाले 4 लोगों में एक ASI और 3 यात्री शामिल हैं। हालांकि हादसे में जान गंवाने वाले ASI का नाम तिलक राम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक RPF कांस्टेबल और उसके सीनियर ASI में किसी बात को लेकर तनातनी और कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद कांस्टेबल ने गुस्से में आग बबूला होकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग पालघर और मुंबई के बीच दहिसर इलाके में ट्रेन में हुई। RPF कांस्टेबल चेतन कुमार ने अपने साथी ASI टीकाराम मीणा पर फायरिंग की। इस दौरान 3 अन्य यात्रियों को भी गोली लग गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी ने अपने सर्विस हथियार से ही गोली चलाई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोलीबारी की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई। मामले की जांच की जा रही है।